पाटन के ग्राम पहांदा में 52 से अधिक आर्मी जवान देश के कई स्थानों पर मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। यह ऐसा पहांदा गांव है जहां हर घर से एक फौजी है। इतना ही नहीं, इस गांव का हर इंसान फौजी बनना चाहता है। यहां के हर युवा में देश की सेवा के प्रति जुनून भरा है। यहां पर पगडंडी का सहारा लेकर युवा लगातार मेहनत कर रहे हैं और वही मैदान न होने के कारण युवा जो है पेड़ का सहारा लेकर मेहनत कर रहे हैं। युवाओं की लगन देखकर ग्राम के सरपंच भी युवाओं की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जहां युवाओं और जवानों की देश प्रेम को देखते हुए पहांदा गांव को पूर्ण रूप से सैनिक ग्राम का दर्जा देने की शासन से मांग की गई। और मैं शासन से चाहूंगा कि इस गांव को सैनिक ग्राम का दर्जा प्राप्त हुए। और इस ग्राम से बता दूं, मदनवाड़ा कांड में जब हुआ, कुरकुट्टी कांड हुआ, उसमें एक जवान शहीद मनोज वर्मा जी का शहीद हो गए हैं, वो भी जिला बल में थे। और उसी क्रम में दक्षिण अफ्रीका में युवराज सिंह ठाकुर जो हमारे जो देश के लिए सेवा दे रहे थे, उनका भी शहीद हो गया। इस गाँव को शहीद ग्राम की दर्जा के लिए भी लगातार शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं और ग्राम पंचायत इसके लिए काफी सराहनीय है। गांव के बुजुर्गों का भी, नवयुवा का भी, माताओं का, छोटे छोटे नन्हे बाल गोपाल का भी इनका सहयोग है और लगातार अभ्यास कर रहे हैं। आपने बहुत से गांव देखे होंगे, हम आपको ऐसे गांव के बारे में रूबरू करने जा रहे हैं जो पाटन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैं बात कर रही हूँ ग्राम पहांदा, जहाँ से हर घर से आर्मी का जवान निकलता है। मैं आपको बता दूँ, इस गाँव के हर घर से एक लड़का आर्मी में जाना चाहते हैं। मातृभूमि के प्रति जुनून फूट रही है। मैं बता दूं, इस गांव से 52 जवान आर्मी में जा चुके हैं। मैं हिम्मत निशा संवाददाता पाटन, धन्यवाद।